आम का सीजन चल रहा है और आम तो सभी के फेवरेट होते हैं। आज मैं आम से बनने वाली एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो स्मूदी विद होममेड मूसली बाउल बनाने जा रही हूँ, जो कम्प्लीटली सुगर फ्री है। यकीन मानिए, ये आप लोगों को मैंगो स्मूदी की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। चलिए हम लोग मैंगो स्मूदी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम होममेड मूसली तैयार कर लेते हैं। होममेड मूसली बनाने के लिए मैंने एक कटोरी इंस्टेंट ओट्स लिया हुआ है, जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। हम इसको एक पैन में ओट्स को डाल देते हैं और स्लोली स्लोली इसको चलाते रहेंगे। ओट्स को रोस्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को लो ही रखना है, जिससे हमारे ओट्स अच्छे तरीके से रोस्ट हो सकेंगे। ओट्स को रोस्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। कंटिन्यू चलाने से क्या होता है कि हमारे ओट्स में एक इवनली कलर आ जाएगा और ये प्रॉपरली रोस्ट हो जाएंगे। अब हमारे ओट्स से फ्लेवर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से नट्स डालेंगे। मैंने थोड़े से आलमंड क्रश किए हुए डाल दिए हैं, थोड़े से काजू। अब इनको भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इसमें पम्पकिन सीड या सनफ्लावर सीड भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे ओट्स में कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। देखिए, अब हमारे ओट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और लास्ट में थोड़ा सा किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश हमें लास्ट में ही ऐड ऑन करनी है, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसके लिए जैगरी सिरप तैयार कर लेते हैं। जैगरी सिरप बनाने के लिए हम एक पैन में आधा कप पानी डालेंगे। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम आधा कप क्रश किया हुआ गुड़ डालेंगे। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इस तरह से हमारा जैगरी सिरप बन करके तैयार है। अब हम इस जैगरी सिरप को ओट्स वाली मिक्सचर में ऐड ऑन कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने जैगरी सिरप डाला था तो हमारे ओट्स के मिक्सचर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमारी मूसली बनकर के तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। जब तक हमारी मूसली ठंडी हो रही है, तब तक हम मैंगो स्मूदी तैयार कर लेते हैं। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए मैंने एक मैंगो को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और एक कटोरी मैंने ताज़ा दही लिया हुआ है और स्वीटनेस के लिए मैंने हनी लिया हुआ है और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया हुआ है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी की जार में ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर,
थोड़ा सा हनी डालेंगे, चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी मैंगो स्मूदी बनकर के तैयार है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने जो होममेड मूसली तैयार की हुई थी तो मैं इस मैंगो स्मूदी पर टॉपिंग कर लेती हूँ। इस प्रकार हमारा हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर के तैयार है। आप लोग इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी मैंगो स्मूदी की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पुरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।